चलिए भाई, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक वैट। आजकल मैं मैच तो नहीं देखता, बट पहले देखता था। तो उसमें एक मैंने स्ट्रैटेजी देखी थी जो सभी टीम्स फॉलो करती थी, कि कोई कोई बॉलर जो है ना बड़ा वीक बॉलर होता था, तो वो ना वेट करते थे कि वो इसके ओवर्स आएंगे तो उसको मारेंगे बहुत पकड़ के। आप में से जो क्रिकेट देखते होंगे वो समझते होंगे, पांच में से एक जरूर होता है। चाहे उस चक्कर में फिर आउट भी होते थे कुछ एक आध, वो अलग है, बट एक एक गेम की स्ट्रैटेजी होती थी, ये है इसको मारो पकड़ के, नहीं तो उसी में स्कोर कर लेते थे वो, और उससे फिर बाकियों में अगर थोड़ा कम ज्यादा भी हो रहा होता तो चल जाता था। वैट के चैप्टर में 25 मार्क्स की कवरेज है, ठीक है। जिसने भी बनाया महान है। मैं आपको पहले ही बोला था कि ये चैप्टर अगर 25 नंबर का ना होता तो मैं एक दिन में खत्म करता, है ही नहीं पढ़ाने के लिए इसमें कुछ, इतना सिंपल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। लेकिन क्योंकि 25 नंबर का है तो मैंने भी मोटा सा असाइनमेंट बना दिया इसका, कि भाई एक भी लाइन एक भी वर्ड छोड़ो मत भाई, इसमें से तो 25 में से 25 लेने ही है, आधा नंबर भी छोड़ना नहीं, ठीक है ना। अब ठीक है, जिसने बनाने वाले ने बना दिया, हम उसको क्रिटिसाइज थोड़े करेंगे। माना अगर एक आदमी आपको फ्री में 25 नंबर देने के लिए तैयार बैठा है तो ठीक है, अपना क्या जाता है। इस टॉपिक पे आप शायद चाह के भी एग्जाम में गलती नहीं कर पाओगे, है ना। करीब ये असाइनमेंट 50 पेजेस का है, जिसमें से कुछ इसमें इंडेक्स वो रेट्स वगैरह दिए हैं टैक्स के, अगर उन सबको हम डिलीट कर दें तो करीब 48 पेज की मैंने थियोरी आपको दे दी है। उसको हम अगली दो क्लास में तीन क्लास में बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे, लर्न भी कर लेंगे। तो अगर आप इसमें से एक वर्ड भी ना छोड़ो, अच्छा मजे की बात है इसमें कोई सेक्शन नहीं है। सेक्शन कहां से आएगा, अभी मैं समझाऊंगा कि सेक्शन का लॉजिक क्या है, कि सेक्शन क्यों नहीं है। क्योंकि ये वैट जो है वो स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, मतलब जो वैट है सेल्स टैक्स, वैट इज नथिंग बट सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम से चलता है, और आपको पढ़ा रहे हैं ICAI में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते तो वह क्या करते, आपको दिल्ली वैट पढ़वाते। लेकिन क्योंकि CA का पेपर ऑल ओवर इंडिया सेम आता है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का सेल्स टैक्स लॉ आपको नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए हम क्या है कि इसमें सेल्स टैक्स लॉ इन जनरल पढ़ेंगे, क्या होता है वैट, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं पढ़ने वाले, जनरल डिस्कशन होगा। वही एग्जाम में आता है, वही प्रैक्टिकल्स आते हैं। अभी मैंने 10 ईयर के क्वेश्चंस नहीं दिए, नेक्स्ट असाइनमेंट जो इश्यू करूंगा उसमें 10 ईयर के क्वेश्चंस में दूंगा। यू विल जस्ट कीप ऑन लाफिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर का पेपर आता है एकदम लड्डू लड्डू लड्डू, और ये नहीं कि एक बार, अब पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर्स दूंगा मैं आपको आज के, नहीं पिछले 5 सालों से ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। यानी कि टैक्स के पेपर में पास होना तो फिर कोई बात ही नहीं हुई, 25 नंबर तो यही हो गए, बाकी सारे सिलेबस से 40 ही होते ना वैसे एज सच, वो उस लेवल पे जाके बात कर रहा हूं, वो भी रेलेवेंट होता है कुछ स्टूडेंट के लिए। तो बाकी सारे सिलेबस में से 15 नंबर लाने, वैट में से तो 25 आप ले ही सकते हो, इतना इजी है ना। सो डोंट मिस एनी क्लास, इसमें से तो पूरा दिस इज लाइक ए बोनांजा, आपको बिल्कुल पका पकाया फ्रूट मिल रहा है, बस थोड़ा सा खाओ और पूरे 25 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो इस पर एकदम सीरियसली पढ़ना है, एक एक वर्ड ध्यान से समझना है, लर्न करना और एज इट इज जाके लिख देना बस। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो किया जाए, किसी भी बुक में इससे ज्यादा नहीं है। मैंने थोड़ा सा 5-10% ज्यादा कर दिया है, 5-10% ज्यादा, जस्ट इसीलिए ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े, और प्लस किसी भी हालत में किसी भी बुक में अगर कोई पॉइंट दिया हो तो कहीं उसमें से एग्जाम में कुछ ना आ जाए। तो अननेसेसरी इसमें तो 25 में से 25 चाहिए ही, और तब भी सारा जोड़ जाड़ के भी 40 पेज सुपर क्रॉस नहीं होता, ये तो कोई खास बात नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। 40 पेजेस पढ़ के अगर 25 मार्क्स का पेपर कवर होता तो क्या बढ़ाइए, नहीं। तो इस चैप्टर को आपने एक तरह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी एग्जामिनेशन डेज में, है ना। पेपर वाले दिन भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले वैट की तैयारी पूरी करनी है। भाई इसको पूरा कर लिया तो 25 नंबर तो हो गया, अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा, 25% कवर, तो ये एक इजी टॉपिक रहेगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अब अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें तो जैसा कि मैंने आपको याद होगा जब इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू किया था तब भी सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि टैक्स क्या होता है। बेसिकली तो हम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, वैट इज ए सब्जेक्ट,
इज अ सब टॉपिक यू कैन से। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है जो अमाउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्यों करती है लोगों से? क्योंकि उनको कुछ फैसिलिटीज देनी होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, फैसिलिटीज लाइक डिफेंस, फैसिलिटीज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, पुलिस, फायर, इसके लिए एज सच कोई ऑफिशियल चार्जेस नहीं होते, है ना। तो आखिर गवर्नमेंट इनको पैसा देने के लिए कहीं से तो पैसा लाएगी, तो वो पैसा गवर्नमेंट लाती है बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अरे बात सुन में, तो जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके लिए प्रोविजन फिर उन्होंने बनाए हुए हैं कि कैसे हमने प्रोविजन को, टैक्सेशन को, टैक्स को कलेक्ट करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वन इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे इनकम टैक्स, मैंने इनकम कमाई, मुझसे टैक्स ले लिया। वेल्थ टैक्स, मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, ज्वेलरीज हैं, लैंड्स हैं, हाउसेज हैं, मेरे से टैक्स ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती तो है बट इनडायरेक्टली लेती है, जैसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स टैक्स, जिसका अब नया नाम है वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट होता है, कैसे? सपोज आप टेलीविजन खरीद के लाए तो उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स कौन सा होता है? सेल्स टैक्स, जिसको आजकल वैट बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन सपोज आप खरीद के लाए 50,000 रुपए का, मान लेते हैं कि उस पर 12.5% टैक्स है, ठीक है, तो 6,000 रुपए या जो भी टैक्स आ गया वो आपने टैक्स भी पे कर दिया। सो यू आर पेइंग टैक्स टू हूम? शॉपकीपर। एंड शॉपकीपर व्हाट ही विल डू? ही विल कलेक्ट द होल टैक्स फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स इन ए पर्टिकुलर मंथ एंड देन ही विल पे इट टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को टैक्स किससे मिला? शॉपकीपर से। लेकिन उसको किससे मिला? कस्टमर से। तो अल्टीमेटली वो टैक्स भी मैंने ही दिया, लाइक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरी इनकम है, इनकम पे मैं इनकम टैक्स देता हूं। सिमिलरली अगर मैं जाकर टेलीविजन खरीद के लाता हूं तो उस पर टैक्स भी मैं ही दे रहा हूं, लेकिन वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहा, वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, आपको पता होगा जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं उन पर टैक्स लगता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, द टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ऐसे जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कहीं से भी सामान मंगाते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो ये सारी चीजें इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें कस्टमर टैक्स पे करता है लेकिन किसी व्यक्ति को देता है, किसी बंदे को देता है, वो उसके बाद गवर्नमेंट को देता है कलेक्ट करके। दैट इज व्हाई ऑल दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक क्लियर है? सो इनडायरेक्ट टैक्स का वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल है आज का वो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, वैट। फुल फॉर्म है इसकी वैल्यू एडिशन टैक्स। Earlier it was known as sales tax. ठीक है, यहां तक तो कुछ मुश्किल नहीं है समझने में, आगे बढ़ते हैं। मैं इसीलिए वेट कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर शुरू करें जो लेट आते हैं, कि वैट का जो कॉन्सेप्ट है अगर 5 मिनट में हमने एक बार समझ लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो फिर पूरा चैप्टर आराम से स्मूथली चलेगा। वैट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? Suppose I am a manufacturer and I am purchasing raw material rupees 100 plus suppose 4% VAT, ठीक है। तो manufacturer को 100 रुपए मिल गया raw material पे, ठीक है, raw material मिला 100 रुपए में, जिसने बेचा raw material उसने 4% टैक्स लगा दिया, इफेक्टिवली मिला 104 में, चलो जो भी है। अब इसने आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगाए और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसको किसी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। कई बार हम होलसेलर को भी देते हैं और कई बार डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जैसे रिलैक्सो का डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो पूरी दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर से फॉर एग्जांपल, या नॉर्थ दिल्ली का भी हो सकता है, किसी एक हिस्से का भी हो सकता है, सपोज वो नॉर्थ दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है या पूरी दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सारा माल उसके पास आ गया, फिर वो होलसेलर्स को दे देगा और होलसेलर से शॉपकीपर्स ले लेंगे, जिनको आप जानते हो किस नाम से, रिटेलर। तो दिस इज अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, माल बनाया, होलसेलर को दिया या से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने फाइनली कस्टमर को दे दिया। दैट इज द प्रोसेस, ठीक है।
सपोज ने चीज 100 रुपए में बेची, उसके बाद ये चीज सपोज यहाँ 300 रुपए में बिकी, यहां से यहां पर सपोज मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा सपोज 500 रुपए में, और रिटेलर ने कस्टमर को दिया सपोज 800 रुपए में। ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही होता है। एक चीज बिकती है दो तीन बार प्रोसेस में, हर आदमी अपना बीच में प्रॉफिट एलिमेंट तो रखेगा ही, और उसके बाद इस तरह से ये चीज बिकती चली जाती है। इजी नाउ, जो वैट का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हर स्टेप पे 4% टैक्स लगेगा। सपोज द रेट इज सेम एट ऑल द लेवल्स, तो 100 रुपए में ये 4 रुपए टैक्स लग के इसको माल मिला था, 300 पे भी 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना है, 500 पे भी 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना है, 800 पे भी 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, ये कौन देगा टैक्स, कौन किसको देगा? हमेशा जो भी परचेजर है वो सेलर को देगा, और सेलर किसको देगा? गवर्नमेंट को। तो इन ए वे ये 4% टैक्स यहां से इसको आया था, उसके बाद जब इसने बेचा तो यहां से इसके पास आया, यहां से इसके पास, और फाइनली टैक्स किसने दिया? कस्टमर ने। फाइनली तो टैक्स कस्टमर ने दिया, ऐसा ही तो होता। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था, जब मैं टीवी खरीदूंगा तो उसका टैक्स मैं शॉपकीपर को दे दूंगा, बट वो अब मैं उल्टा पढ़ाता हूं, ये यूं आया। अब यहां से समझ लो, जो शॉपकीपर है उसके पास कहां से आया? होलसेलर से आया होगा ना माल, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से आया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मैन्युफैक्चरर से आया होगा, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तभी तो माल बना। तो कैसी समझ लो चेन को, ऊपर से नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर समझ लो, प्रोसेस वो पूरा ही होता है ऑलमोस्ट सभी दिशाओं में। सीधा कंपनी का शोरूम आए तो ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से सीधा वो रिटेलर भी बन जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे हमारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब होता है ना, कंपनी का ही शोरूम है जी, खुद ही माल बनाया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, सीधा कंपनी ने शोरूम बना दिया, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। बट इन एनी केस दे आर सेलिंग इट टू कस्टमर्स, चेन ब्रोक की हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट तो फिर भी तब भी वही है, सेल्स टैक्स तो लग ही रहा है। यहां तक समझ में आती है बात? इजी है। अब जो वैट है, वैट का कॉन्सेप्ट क्या है? वैट का कॉन्सेप्ट यह है, वैल्यू एडिशन टैक्स। ये कहता है कि जितना भी आपका टैक्स बना है वो तो आपने देना है, लेकिन जितना टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ वो माइनस कर दो। तो मनीष जी, रूम क्लोज कर देंगे प्लीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हमने ये 300 रुपए में इसने बेचा माल, तो उसको कितना टैक्स लगा होगा? 12 रुपए टैक्स लगा। ये बात समझ में आती है? इजी। पर 4 रुपए टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था ना, तो व्हाट ही विल पे? ये चीज समझ में आती है? होलसेलर 500 रुपए पे कितना टैक्स देगा? 20। इसमें 12 रुपए दे के ही माल खरीदा होगा, नहीं? होलसेलर ने 300 में ली थी ना चीज, इसने इसको 300 में बेची तो इसने 300 में खरीदी है, तो ये की बात होगी ना, तो 4% टैक्स लगा होगा तब, तो फिर वही चीज आ गई। अब इसने 500 की चीज 800 में बेची, किसने? होलसेलर ने रिटेलर को। तो जब ये सेल हुई थी 800 में, या मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, ये 500 से 800 रिटेलर है, और उसके बाद फिर 800 में तो कस्टमर को बेचा उन्होंने, जो भी है। तो यहां पर जब ये चीज 800 में गई है रिटेलर से होलसेलर पे, तो इस पर टैक्स लगा 32 रुपए, और 20 ऑलरेडी लग चुका है इस पे, तो 12 रुपए और देने गवर्नमेंट। ये बात समझ में आती है? गुड मॉर्निंग। नाउ ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि जब कोई चीज बिक रही है तो उस पर जो टैक्स है वो आपने देना है, लेकिन जो टैक्स ऑलरेडी लग चुका वो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गई बात? अब ये जो नाम था इसको समझेंगे। मान लेते 100 की चीज 300 में बेची, तो वैल्यू एडिशन कितना है? 200। तो एग्जैक्टली ये देखा जाए तो 200 का 4% है, दैट इज वाई इट इज नोन एज वैल्यू एडिशन टैक्स। ऐसे ही 300 की चीज 500 में बिकी, सेम 200 रुपीज वैल्यू एडिशन है। 500 की चीज 800 में बिकी तो 300 वैल्यू एडिशन है, इसका 4% 12 रुपए टैक्स आ रहा है। बस अगर इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो पूरा वैट का चैप्टर बस इसी एक कॉन्सेप्ट पे चलता रहेगा। इजी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एग्जाम्पल में दूसरा भी क्रिएट कर सकता हूं, बट एक ही एग्जाम्पल अगर हमें पूरी तरह समझ में आ जाए तो चैप्टर फिनिश्ड है, यही की यही चैप्टर फिनिश्ड है।
मैंने एक एग्जांपल लिया कि रॉ मटेरियल सप्लायर ने 100 रुपए का रॉ मटेरियल दिया 4% टैक्स लगा के, मैं टैक्स रेट 4% ले रहा हूं। वैसे दो ही टैक्स रेट्स होते हैं, 4% और 12.5%। ये अभी मैं और आगे 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद पढ़ाऊंगा आपको कि एक कमेटी बनाई गई थी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की, उन्होंने एक मॉडल वैट एक्ट बनाया कि भाई हम एक एक्ट बना देते हैं और सारे स्टेट्स वैसा फॉलो कर लो। फिर उसमें उन्होंने दो ही रेट दिए टैक्स के, बेसिकली एक 4% और एक 12.5%। लेकिन फिर उन्होंने ये कह दिया कि दीज रेट आर द फ्लोर रेट्स, टेक्निकल टर्म है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा सकता हूं और बता सकता हूं मिनिमम रेट्स, बट लिखना है आपने एग्जाम में फ्लोर रेट्स। मैंने आपको पहले भी बोला हमेशा कि कई चीज समझने के लिए अलग लैंग्वेज होती है और लिखने के लिए अलग होती है, तो लिखने के लिए फ्लोर रेट्स याद रखना, मिनिमम मत लिख देना, लिखने में खैर कोई काट नहीं देगा, लेकिन फिर भी द बेटर टेक्निकल लैंग्वेज इज फ्लोर रेट्स। तो फ्लोर रेट्स फिक्स किए गए 4% और 12.5%, यही दो रेट है। एक तरह से गवर्नमेंट को जिस चीज पर कम टैक्स लेना हो वो 4% में लिख देगी, बाकी सब पे बाय डिफॉल्ट 12.5% है। मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए आंध्र प्रदेश के ना मिल गई मुझे नेट के ऊपर पूरे वैट रेट्स, तो मैंने फिर असाइनमेंट में दे दी जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें आप देखोगे कि 12.5% वाली ना लिस्ट दी नहीं हुई है, वैट के दो ही रेट्स हैं जैसे मैंने कहा, बेसिकली दो ही रेट्स हैं। अभी और पढ़ाऊंगा जब डिटेल में तब जाऊंगा कि 0% भी होता है, 1% भी होता है, 20% भी होता है, वो लाइक एक्सेप्शनल सिचुएशन। रूटीन में जो वैट है वो दो ही रेट्स हैं, 4% और 12.5%। बट जैसे मैंने अभी बताया, इसको भी भूलना नहीं कि ये फ्लोर रेट्स है, मींस मिनिमम है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू चार्ज लिटिल हायर। जैसे अगर प्रैक्टिकल वर्जन देखें तो दिल्ली में इस समय वो 4% का रेट बढ़ के 5 हो चुका है, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर आर एग्जाम कि हाउ मच इज द वैट रेट इन दिल्ली। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारा जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट एक्ट के बारे में नहीं आपको पढ़वा रहा। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पेपर आना है तो इसलिए वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दिल्ली में वैट का रेट क्या चल रहा है वो आपको मालूम हो। इनकम टैक्स के रेट्स आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक सेम है, बट वैट के रेट क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट हर स्टेट में डिफरेंट है, इसलिए जनरल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं। इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक हो गई बात। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं एक बार जैसे मैंने कहा फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो 100 पे ये 4% ही रेट मैंने कहा मैं लेके चल रहा हूं, तो 100 पे सबसे पहले लगा 4% वैल्यू एडिशन। सपोज 0 से 100 रुपए है तो 100 पे वैल्यू एडिशन 100 ही है, तो 4% 4 रुपए टैक्स लग गया। 100 की चीज मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट और एक्सपेंस एलिमेंट जोड़ के 300 में जब बेची तो वैल्यू एडिशन 200 है, तो उसका 4% टैक्स आएगा, कितना 8 रुपए। उसको हमने जो सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो टैक्स आया उसमें से जो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है वो माइनस कर। फिर इसी तरह से 300 की चीज जब होलसेलर के पास गई तो 500 में बिकी, तो फिर से 200 का वैल्यू एडिशन था, 500 का जो टैक्स आया उसमें से जो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ था वो माइनस कर दिया। ऐसे जब 800 कस्टमर को बेची तो जो टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था वो, ये बात समझ में आती है सबकी पक्का। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझ लो, टेक्निकल क्या है, जो लिखनी है, मतलब जो टैक्स आपने देना है दैट इज नोन एज आउटपुट टैक्स, ये भूलना नहीं है, इसको हाथ से लिख लो। फिर कहीं पर भी रफ में आप नोट कर लें या असाइनमेंट में किसी भी पेज पे नोट कर लें, टैक्स पेएबल ऑन सेल्स, टैक्स पेएबल ऑन सेल्स इज नोन एज आउटपुट टैक्स। टैक्स पेएबल ऑन सेल्स इज नोन एज आउटपुट टैक्स, सिंपल खत्म। हाउ मच इज माई आउटपुट टैक्स, 4, इन दिस सिचुएशन 12, इन दिस सिचुएशन 20, इन दिस सिचुएशन 32। The tax payable on sales is known as output tax. Clear? Next. The tax paid on purchases. The tax paid on purchases is known as input tax. The tax paid on purchases is known as input tax. Easy? इसका मतलब in my question, always जो पहले से amount दिया हुआ था ये क्या आ रहा है, input tax, ये वाला 20 rupees, ठीक है। Next line लिखना है, credit, bracket में लिखना है, credit के bracket में set off और डिडक्शन
सेट ऑफ और डिडक्शन, ठीक है। क्रेडिट इज अलाउड, इधर आ जाओ ना, और पीछे कहां घुसोगे, इधर आ जाओ। क्रेडिट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्रेडिट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, क्रेडिट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ऑफ इनपुट टैक्स। सिंपल है ये बात भी। पहली बात मैंने बहुत सिंपल लिखवाई, सेल्स पर जो टैक्स लगता है जी उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, परचेज पे जो टैक्स लगता है जी उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और फिर मैंने बोला कि जब आउटपुट टैक्स पे करते हैं तो इनपुट टैक्स माइनस होता है, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखना आईटीसी। थोड़ा ना मैं भी गलती कर जाता हूं, समटाइम आईटीसी लिख दूं, होता ना आदत पड़ जाती है, जो टीचर्स होते हैं किसी बुक में आईटीसी लिखा होगा, यार ये आईटीसी क्या आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चीज एकदम सिंपल होती है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में ध्यान नहीं रहती होती है और उसकी वजह से हम उस चीज को समझने में दिक्कत। वैसे पूरा ही लिखना चाहिए, मैंने पहले कहा था शॉर्ट फॉर्म्स कम यूज करनी चाहिए, बट फिर भी कहीं लिखा हो आईटीसी तो आईटीसी से हमें पता चलना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। तो बहुत सारा चैप्टर इसी बात में बीतेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये चलती रही कहानी। थोड़ा बहुत पढ़ने का आखिर कुछ तो होगा ही ना, जब चैप्टर बनाया तो कुछ तो पढ़ेंगे, पढ़ना यही होगा बस बेसिकली कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अलाउड है, कितना नहीं अलाउड है, किस किस में है, किस किस में नहीं है। मेनली द चैप्टर इज ऑल अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट टैक्स, ऑब्वियसली बोथ द थिंग्स। समझ आती है बात, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि जब आउटपुट टैक्स पे करना है हमने तो इनपुट टैक्स हमने माइनस कर देना है, दिस इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इजी, यहां का कॉन्सेप्ट मैं मान के चलूं क्लियर है आपको, वैट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिकली ये चलता किस तरह से है, ठीक है। तो जैसा कि एक कॉमन सी बात होती है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर्विस, जैसे होता है ना सेल्स टैक्स नंबर, ऐसे वैट नंबर लेना पड़ता है। तो मतलब अगर चेन में 5 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, तो क्या 8ों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज येस। वैट प्रोसेस की जो ब्यूटी है वो ये कि टेंशन नहीं है कितनी बार भी माल बिक जाए। अगर एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को भेज दे, वो फिर रिटेलर को भेज दे, रिटेलर फिर रिटेलर को, तो टैक्स के एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 रुपए की चीज आप 505 रुपए में बेच लो, अगर क्रेडिट ना मिलता होता तो 5 रुपए प्रॉफिट में बेची लेकिन उसका तो टैक्स उससे ज्यादा आ जाता। बात समझ रहे हो? लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने 500 रुपए की चीज लेके, कंपटीशन होता है कई बार, होता है ना ग्राहक आ गया होलसेल पे, 500 की चीज कहते नहीं एक एक दो दो रुपए पे खेल रहे हैं, इस तरह की बिजनेस में टर्मिनोलॉजी होती है। तो कई बार होता है आदमी 2 रुपए के मार्जिन पे ले जा, अगर उस पर 10% टैक्स लग रहा होगा 500 रुपए, तो 50 रुपए टैक्स लग रहा है, 2 रुपए के मार्जिन पे कैसे बेच ले, बेच नहीं सकता। बात समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो वैट के अंदर ये इन्होंने अचीव कर लिया कि चाहे सेल 15 बार हो जाए, एक चीज की कोई टेंशन नहीं है, 5 रुपए की चीज 505 रुपए की ना, तो बस 5 रुपए पे टैक्स आएगा, क्योंकि 505 पे जो टैक्स लगता है वो टोटल टैक्स आ गया माइनस जो 500 पे दिया हुआ, तो टेंशन क्या है, कोई टेंशन नहीं है। वैल्यू एडिशन टैक्स है नाम इसका, कि जितनी वैल्यू एडिशन हुई है, 5 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है तो 5 रुपए होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है जो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि आपके साथ डिस्कस करो, 500 रुपए की चीज लेके 505 में बिकेगी? जरूर थोड़ी है, रेट गिर भी जाता है कई बार किसी चीज का, कोई चीज खराब हो गई, कुछ हो गई, 400 रुपए में बेची फिर क्या होगा? नहीं, टैक्स तो लगेगा। इन दैट सिचुएशन आउटपुट टैक्स विल बी लेसर, इन दैट सिचुएशन आउटपुट टैक्स विल बी लेसर देन इनपुट। तो रूल क्या कहता है इसमें? रूल ये कहता है कि जो डिफरेंस है आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने के लिए, महीने का महीने के हिसाब चलाते हैं, अगले महीने भी ऐसे हुआ हाइपोथेटिकल तो और अगले महीने हो जाएगा, साल तक ऐसे ही हुआ। तो इसके बारे में स्टेट लॉज डिफरेंट है, कोई कोई स्टेट कहती है कि एक साल तक भी अगर आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा चल रहा है इनपुट टैक्स से तो हम आपका रिफंड कर देंगे, बात करते हैं चैप्टर क्लोज।
और कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम 2 साल बाद रिफंड करेंगे, मतलब अगर इस फाइनेंशियल ईयर का है तो अभी वेट करेंगे कि आपका एडजस्ट ही हो जाए अगले साल तक भी, अगर तब तक भी नहीं होगा तब वापस करेंगे। मीन्स इस बारे में लॉ स्टेट वाइज डिफरेंट है, कहीं पर रिफंड 1 साल बाद मिल जाता है, कहीं पर 2 साल बाद, बट मुझे लगता है रेयरली ऐसा होता होगा, क्योंकि आदमी लगातार थोड़ी बेचता चला जाएगा लॉस में सामान, दुकान ही बंद हो जाएगी, बिक जाएगा खुद ही, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, काफी टेक्निकल सा है। लेकिन चलो अगर कभी हुए ऐसा कि आउटपुट टैक्स जो है वो कम आ रहा हो और इनपुट टैक्स ज्यादा हो तो रिफंड मिल जाता है, सिंपल सी बात। अभी आप ये समझ सकते, पहले तो कैरी फॉरवर्ड होता है उसके बाद फिर रिफंड मिल जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं? हाँ जैसे हर एग्जाम्पल में अलग अलग ले लेता हूं, जैसे ये 300 रुपए में बेचा, 4% टैक्स लगाया तो 12 रुपए आउटपुट टैक्स और 4 रुपए ऑलरेडी पेड है इनपुट टैक्स, वैट पेबल 8 रुपए, ठीक है, सिंपल। एक सेकंड, इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, कहीं तो यहां मुलायम सिंह का राज है, कहीं जयललिता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है ना, यहां पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट का सीएम अलग क्यों होता है, ये वैसे ही क्वेश्चन है। तो इनकी खोपड़ी में जिसकी में जैसा घुसता है वो वैसे ही बनाता है, जो जितना बड़ा चोर है उतने ज्यादा टैक्स रेट्स बढ़ाएगा, ये सब करेगा, जो थोड़ा शरीफ आदमी आ जाएगा वो रिफॉर्म्स लाएगा, ठीक है ना। सवाल ये नहीं है जी, अब यहां पर आप चले गए मेरी परिधि से बाहर, आप कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर डिस्कशन पे आ गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाएगी। तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये कौन बनाता है इस पर लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ये एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया सेम है। और जो सेल्स टैक्स है उस पर आज भी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। अब आपने नाम सुना होगा, चलो आपने टॉपिक छेड़ ही दिया तो मैं उसको आज से 10 मिनट बाद डिस्कस करना था, अभी कर लेता। आपने जीएसटी का नाम सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स, अभी हम इसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैट पढ़ने के बाद और 2-4 दिन के बाद। सर्विस टैक्स क्या होता है? जैसे सेल्स पे सेल्स टैक्स लगता है, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता है। जैसे हम आपसे फीस लेते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी होटल सर्विसेज देता है तो उस पर सर्विस टैक्स लेता है, कुरियर वाले सर्विसेज देते हैं, सर्विस टैक्स लेते हैं। तो आई मीन टू से ऐसे गुड्स पे भी टैक्स लगता है और सर्विस पे भी टैक्स लगता है। आज की तारीख में वैट लॉ ये कहता है कि जो आपने आउटपुट टैक्स दिया उस पर से हम इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे, यानी आउटपुट वैट में से इनपुट वैट माइनस कर देंगे। यही चीज सर्विस टैक्स लॉ भी कहती है कि जो आपने सर्विस टैक्स, जैसे हम आपसे सर्विसेज पे सर्विसेज टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम भी तो किसी से सर्विस ले रहे होंगे। सपोज हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज ली तो उसको सर्विस टैक्स दिया, तो जैसे इसमें आउटपुट इनपुट माइनस होते हैं और डिफरेंस पे करना होता है, ऐसे सर्विस टैक्स में भी होता है, करेक्ट। लेकिन वैट इज ए स्टेट लेवल सब्जेक्ट एंड सर्विस टैक्स इज ए सेंट्रल लेवल सब्जेक्ट, इसलिए वो आपस में एडजस्ट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सर्विसेज दी, आपसे सर्विस टैक्स लिया, तो मैं अगर किसी को सर्विस टैक्स दूंगा वो तो माइनस हो जाएगा। लेकिन सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट मटेरियल छपवाया, उस पर वैट लग गया 5% का, वो माइनस नहीं होता अभी भी। बात समझ लो, अभी भी ये प्रॉब्लम है। तो जो जीएसटी अटका हुआ है अभी तक, वो इसी बात पर अटका हुआ है कि अभी तक पूरा दिमाग इनका सेट नहीं हुआ कि कैसे करें। बात ऐसे समझ में, पूरा दिमाग अभी सेटल नहीं हुआ जीएसटी, इसीलिए वो बोलते हैं आएगा आएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर सारा क्रेडिट हो जाएगा, सर्विस टैक्स के अगेंस्ट वैट माइनस हो जाएगा, वैट के अगेंस्ट सर्विस टैक्स माइनस हो जाएगा, वो पूरा आपस में मिक्स हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी सब मिक्स हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, ज्यादा नहीं है हमारे सिलेबस में। तो जब जीएसटी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी हम आपको 2 टॉपिक अलग अलग पढ़ा रहे हैं, वैट अलग पढ़ा रहे हैं, सर्विस टैक्स अलग पढ़ा रहे हैं। मे बी अगर चलो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2013 से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाए, अभी कुछ पक्का भी नहीं है कि नहीं आएगा, ये भी हो सकता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आज से 2 साल बाद 1.5 साल बाद सब ऑब्सोलीट हो जाए। ये टैक्स में हमेशा होता है प्रॉब्लम, जो हम पढ़ते हैं चीजें वो एक बार 1 साल तक 2 साल तक चलती है, उसका फिर चेंज हो जाता है। तो लेकिन जीएसटी आज का नहीं है, जीएसटी सन 2007-08 से आया हुआ है, 6-7 के बजट में आया था, 7-8 से, मतलब आज से 4-5 साल से चर्चा चल रही है, जीएसटी आ नहीं पाया। वैट का भी अभी हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री तो बहुत झगड़े होते रहे वैट में भी, बहुत झगड़े होते रहे। गवर्नमेंट जो थी वो वैट में इंटरेस्टेड नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि उसमें लॉस था। पहले हर स्टेज पे टैक्स लग रहा था, पिछला क्रेडिट अलाउड नहीं, तो जो आ रहा है आ ही रहा है। अब वो पिछला माइनस कर करके तो सिर्फ डिफरेंस ही मिल रहा है ना, तो अल्टीमेटली द स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड्स टू लॉस।
तो गवर्नमेंट्स ने इसीलिए बहुत झगड़ा किया, ट्रेडर्स ने झगड़ा किया। ट्रेडर्स ने क्यों झगड़ा किया वैट पे? पहले सिंगल पॉइंट टैक्सेशन था, या तो फर्स्ट पॉइंट पे लगेगा या लास्ट पॉइंट पे लगेगा। पहले दो ही तरह के गुड्स होते थे। इन द ओल्ड सेल्स टैक्स लॉ दो ही तरह से टैक्स लगता था, या तो फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट, बीच में कोई टैक्स नहीं लगता था। तो जो बीच वाले थे वो रोए, यार अब तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमें रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्या मुसीबत आ गई? नहीं, काला कानून वापस करो। आप तो छोटे होंगे तब, इतने छोटे भी नहीं होंगे। जब वैट आया था तब बहुत हंगामा हुआ था, आज से 7-8 साल पहले, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आज मैं आपको वैट समझाऊंगा, इट इज अ बेनिफिशियल पोजीशन फॉर एवरी ट्रेडर, बट कब? जब वो 100% वाइट में डील कर रहा, देन डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल। जितना टैक्स आ रहा है, ले रहा है, दे रहा है, सब सिंपल है। लेकिन जिसने थोड़ा कैश में डीलिंग करनी है, वो तो फंस गया, क्योंकि उसको तो टैक्स लगा हुआ माल, टैक्स पेड गुड्स ही मिल रहे हैं। आगे जब तक टैक्स लगा के नहीं बेचेगा हो गया। इसलिए अगर आप देखोगे अब धीरे धीरे, अब फिर भी बात है, अभी तो आप लोगों ने ज्यादा परचेजिंग शुरू नहीं की होगी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह की। पहले के जमाने में बहुत चीजें कैश में मिला करती थी, मिलती अभी भी है, लेकिन उनकी जो ट्रांजेक्शन का जो यू कैन से वॉल्यूम है, जो लेवल है, वो बहुत कम हो गया। अब ज्यादातर लोग ना विद बिल ही लेने लगे हैं चीजें। पहले फर्क भी बहुत था, 12.5% सीधा टैक्स लग जाया करता था, तो उस हिसाब से प्राइजेस भी हाई थे। अब क्या बिल में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रीजन यही है क्योंकि शॉपकीपर को भी पता है कि जितना टैक्स मैं लूंगा कस्टमर से, उससे 90% तक तो मैंने खरीदा ही है, तो उसका टैक्स माइनस हो ही जाएगा, तो उसने डिफरेंस उतना ही टैक्स लेना है। तो इसलिए प्राइजेस एज सच बिल की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, जबकि किसी जमाने में हुआ करता था, जी बिल लेना है, आ जा बेटा तेरे को लगा देते हैं लाइन पे। अभी फिर भी कम है, लेकिन वही है, जो लोग व्हाइट में डील कर रहे हैं उनको तो वैट बहुत बढ़िया है, जो अभी भी ब्लैक में डील कर रहे हैं उनके लिए वैट खराब है। ठीक है, अभी हम जनरल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर चैप्टर को एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो अभी तक जो बताया समझ में आ रहा है वैट में। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा शायद, आज उसको अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे। वो है टैक्स इनवॉइस, और एक होता है रिटेल इनवॉइस, जिसको आप साधारण भाषा में बिल या क्या बोलते हो, बिल ही बोलते होंगे या सिर्फ इनवॉइस बोल देते होंगे, है ना, बिल काट दे। तो अब जो हमारे को टर्म यूज करनी है एज ए सी ए स्टूडेंट, वो बिल नहीं है, बिल कोई टर्म नहीं है हमारे यहां, हमारे यहां टर्म है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जब भी कोई शॉपकीपर सेलर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, दूसरे मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को माल बेचेगा, तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। इट इज कंपल्सरी कि वो उसको टैक्स इनवॉइस करे। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिलेबस के अंदर दिया हुआ मैंने कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंपलसरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है, अमाउंट, प्राइस, डेट, सिग्नेचर, जो भी है, प्रॉपर बिल होना चाहिए, पक्का काम। सो टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। ये कब होता है? व्हेन देयर आर डीलिंग्स बिटवीन ट्रेडर एंड ट्रेडर, या ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर एंड, अब इसको गलत ना समझ लेना, मैंने ब्रीफ में लिख दिया, ट्रेडर ऑब्लिक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर ऑब्लिक मैन्युफैक्चरर। बात समझ में आती है? जब वो आपस में करेंगे तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, उसमें क्लियरली टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट शो करेंगे। ठीक हो गई बात? ये चीज सिंपल है, यानी कि अगर सपोज मैं खरीद रहा हूं तो मुझे पक्का बिल मिलेगा, जिसमें ढंग से लिखा होगा बिल्कुल तमीज से कि भाई चीज कितने की थी। अभी बस में ये नहीं कर सकते चलो जी इंक्लूसिव 5,000 रुपए, ऐसा कोई बिल नहीं चलता, दैट इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस। अगर आपने ऐसा बिल से माल खरीदा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मौज करो। आगे पढ़ाऊंगा आपको ये बात कि इफ द वैट इज नॉट प्रॉपरली मेंशन इन द बिल, इज नॉट सेपरेटली चार्ज, देन यू आर नॉट अलाउड क्रेडिट। तो ऑब्वियसली एक शॉपकीपर ऐसी गलती क्यों करेगा, वो प्रॉपर बिल लेगा। अरे बात समझ में? तो जैसे शॉपकीपर कई बार आपको तो काट के दे देते ना टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी बिल, वो भी वैसे अलाउड नहीं है टेक्निकली, लेकिन फिर भी जो भी है शॉपकीपर, शॉपकीपर में तो पक्का टैक्स इनवॉइस का मतलब यही है, सिर्फ उस एक इनवॉइस के भरोसे आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। सपोज आपने 10 लाख का माल खरीदा है, 12.5% टैक्स लगा, वो 1,25,000 रुपए एक सेकंड में आपको क्रेडिट मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपके पास पक्का बिल होना चाहिए, प्रॉपर बिल। ठीक, और एक होता है इसमें रिटेल इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस कौन इशू करता है? रिटेलर। किसको? कस्टमर को। ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये सिर्फ टेक्निकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकली इसको भी पक्का बिल शो करना चाहिए।
और आप एज ए कस्टमर, जैसे सपोज कल को मोबाइल खरीदते हैं या कोई टेलीविजन खरीदते हैं, कोई भी चीज आइटम खरीदते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ढंग से देखो कि हाँ जी प्रॉपर बिल है और उसमें प्रॉपरली वैट लगा हुआ है। एज ए कस्टमर यू शुड सी, अदरवाइज इट्स ओके। वाई इट्स ओके? आपको कौन सा क्रेडिट मिलना है? आपको क्रेडिट नहीं मिलना। द चेन फिनिशेज एट कस्टमर, यहां क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए इसको टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, इसको रिटेल इनवॉइस भी दे सकते हैं। हरी बात सुन में? बट इट डज नॉट मीन कि जो रिटेलर है वो ढंग से वैट नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स तो है ना, आउटपुट टैक्स पे से तो इनपुट लेगा। तो अगर आउटपुट टैक्स ही वो सर्टिफाई नहीं कर पाएगा, प्रूव नहीं कर पाएगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। सो आपको मैंने दो तीन टर्मिनोलॉजी समझाई है अभी तक। सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी समझाई मैंने, वैट क्या होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या है। दूसरा मैंने समझाया आपको आउटपुट टैक्स, तीसरा मैंने आपको समझाया इनपुट टैक्स। तो वैट पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। एक मैंने आपको समझाया अभी टैक्स इनवॉइस क्या होता है, और एक मैंने आपको समझाया कि रिटेल इनवॉइस क्या होता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर सपोज आप एक शॉपकीपर हो, तो क्या आपकी पहली रुपए की सेल पर ही वैट लगता है? द आंसर इज नो। हर स्टेट का अलग अलग फंडा है। मोस्टली जो टर्नओवर चल रही है इस समय वो चल रही है 10 लाख, यानी अगर आपकी साल की 10 लाख की टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फिर उसके बाद वैट लेना जरूरी है। वो बात अलग है, अगर आपकी सेल उससे कम हो तब भी आप रजिस्ट्रेशन तो करवा ही सकते हो। इन ए वे दे हैव लेफ्ट द स्मॉल शॉपकीपर्स। जैसे इनकम टैक्स आपने पढ़ा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने, तो आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स जो है वो 2 लाख से ऊपर जब इनकम होती है तभी एप्लीकेबल है, तो उससे कम पे है नहीं ना, उससे कम पे आपको रिटर्न भरनी, कुछ नहीं करना, आप मौज करो अपनी जिंदगी में। ऐसे ही सेल्स टैक्स में अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आपके ऊपर कोई वैट एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपकी सेल सारे साल की 10 लाख तक है। दिस फिगर इज क्वाइट लो, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होता। 10 लाख रुपए साल की सेल कह रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कह रहे। इसका मतलब हो गया महीने का करीब 80,000, 80,000 रुपए महीने की सेल। आजकल तो इतना तो रेंट होता है जिस दुकान का, तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बहुत लो लिमिट फिक्स की हुई है। ठीक है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं हाथ के हाथ, क्योंकि वो बीच बीच में फिर रेफरेंसेज आएंगी, वो है कंपोजिशन स्कीम। वो इन्होंने अलाउ किए 50 लाख तक, यानी 10 लाख तक अगर कोई डीलर है, शॉपकीपर है, सेलर है, तो रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, वो वैट से फ्री है। अगर 10 लाख से ऊपर है और 50 लाख तक है तो एक कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर हर स्टेट के अलग अलग टैक्स रेट होते हैं, एज लो एज 1% और 0.25%, इतना। अगर आप छोटे शॉपकीपर हैं, 50 लाख तक वाले को भी इन्होंने एक तरह से समझ लो मीडियम मान लिया भाई, छोटा तो चलो मान लेते 10 लाख तक मान लिया, जिसकी सेल 10 लाख तक है छोटा है, तू छैन दे यार, तू वैट से दूर ही है। जो 10 से 50 के बीच में है उसको उन्होंने कह दिया तू कंपोजिशन डीलर बन जा। कंपोजिशन डीलर को क्या करना है, सपोज 1% टैक्स देना, बस सिंपल। लेकिन उसके केस में इनपुट आउटपुट का कोई चक्कर नहीं है। आरिवासन में जो कंपोजिशन वाला डीलर होगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता, वो 1% टैक्स कस्टमर से लेगा और वो पास ऑन नहीं हो पाएगा बेचारा। तो इसका मतलब जो खरीद रहा है उसको नुकसान होगा, होगा तो फिर वो तुमसे ही क्यों लेगा, वो पड़ोसी से नहीं ले लेगा, कर लेगा जो भी है। ये प्रॉब्लम तो रहेगी इसमें, छोटे शॉपकीपर्स की सेल तो फिर कम रहती है, तो फिर तो लोग बड़े बड़े लोगों से लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, मतलब इस चीज का कोई इलाज नहीं किया इन्होंने। सिंप्लीफाई तो कर दिया कि अगर 10 लाख से ऊपर सेल है, 50 लाख तक है, तो कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ, सिर्फ 1% टैक्स दे दो, सिंपल है। लेकिन फिर उसमें ये डिंपल है कि ना तो इनपुट क्रेडिट मिल रहा ना आउटपुट क्रेडिट, वो इनपुट आउटपुट खत्म ही कर दिया, मतलब वो तो फिर अलग ही आपको गेम से बाहर खड़ा कर दिया। ये जो वैट चेन है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वैट चेन, इसको चेन बोलते हैं, वैट चेन, एक से एक चलती जा रही, कट 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 कट, आप वैट चेन से बाहर हो जाते हो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए तो। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शॉपकीपर्स इसको ऑप्ट करते हैं, क्यों? सिंपल है, 1% टैक्स दो, जान बचाओ अपनी। 10 से 50 लाख मीन सपोज आपकी 35 लाख सेल है, 35 लाख पे 1% आपने 35,000 रुपये दिया, यानी 3,000 रुपये महीने का सेल्स टैक्स दिया, बात खत्म, आप अपना मौज करो, कोई टेंशन नहीं। ये बात समझ में आती है, इजी है कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो वैट से हटके है। अगर 1% रेट है तो, जो मैंने आपको 1% बताया किताबों में नहीं लिखा कि
किताबों में लिखा है कि जो रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी, बट दैट इज जनरली बिटवीन 0.25% टू 1%, मतलब बस इतना ही होता है, वेरी लो. तो वो उतना ही चार्ज कर सकता है जितना उसको अलाउड है उस पर्टिकुलर स्टेट में. उसको इनपुट टैक्स का लॉस हो गया. हाँ, या तो वो कहीं से ऐसी जगह से खरीद के लाएगा जहां पर वो भी कंपोजिशन में होगा, या फिर वो उसका लॉस होगा. क्या? नो, ऑप्शनल है कंपोजिशन स्कीम. तो क्या वो 10 लाख वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑप्शनल है? 10 लाख से ऊपर तो कंपलसरी है, बट उसके नीचे भी ऑप्शनल है. आप चाहो तो करा लो, नहीं तो मत कराओ. कंपोजिशन स्कीम तो 100% ऑप्शनल है. वो तो चाहेंगे नहीं ना कंपोजिशन स्कीम में आप जाओ, उनको तो ज्यादा टैक्स मिल रहा है उसमें, पहली बात. दूसरी बात, उसमें एक वैट चेन डिस्टर्ब नहीं हो रही. जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है वो डिफीट हो रहा है वैसे कंपोजिशन स्कीम में. दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ वैट. ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, आज तो नहीं आएगा, ये सब्सिक्वेंट क्लासेस में आएगा. बट दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ वैट ऑफ दिस कंपोजिशन स्कीम. क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट लेके चले थे वैट में, वो कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होता है कंपोजिशन स्कीम से. बेकार में एक आदमी बीच में ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसको ना इनपुट मिलना ना आउटपुट मिलना, वो सारी चेन डिस्टर्ब कर देगा. तो वो एक अलग चीज है. चलिए अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता दू. दिस वैट इज एप्लीकेबल स्टेट वाइज. दिल्ली में तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इन सिचुएशंस को. दिल्ली में तो क्या है कि मैक्सिमम रमेश नगर से कीर्ति नगर, रमेश नगर से धौला कुआं, आर के पुरम, इतना ही सोच पाओगे आप, है ना. बट लेकिन आप सोचिए जो और स्टेट्स हैं, लाइक अब जैसे गुजरात है, गुजरात में राजकोट है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, नहीं सूरत है, ठीक है ना. अगर इन सिटीज में सेल हो रही हो आपस में, तो एक तो क्या उसी सिटी में और एक डिफरेंट सिटी में हो रही है, जैसे अहमदाबाद से राजकोट, व्हाट इज दैट? दिस इज ऑल्सो लोकल सेल. दिस इज ऑल्सो अ लोकल सेल. इज इट क्लियर? तो उस पर क्या लगेगा? गुजरात वैट. अ सेल फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट, एज बोथ द सिटीज आर इन द सेम स्टेट, इट विल बी सब्जेक्ट टू द लोकल वैट. ठीक है. लेकिन वहां से अगर माल दिल्ली बिक जाए, मुंबई चला जाए, ठीक है ना. हाँ, मैं बताता हूं उसको क्या बोलते हैं. जो दूसरे स्टेट में माल चला जाए, जैसे मैं आप एग्जाम्पल ले लेता हूं, दिल्ली को बेस ले लेता हूं. Suppose Delhi से you are selling goods to Delhi. Within Delhi you are selling. Then this is subject to Delhi VAT. This is subject to Delhi VAT. Is it easy? Easy to understand? Suppose Delhi से माल बिक गया आपका अजमेर, रोहतक या कहीं पर भी. अब क्या होगा? Now this is known as interstate sale. And this is known as intrastate sale. नाम मिलते जुलते हैं इंग्लिश भाषा में, मैं क्या कर सकता हूं. ठीक है. ISBT फुल फॉर्म पता है किसी को? क्या है? क्या मतलब इस बात का कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने की बसें मिलती हैं, यही मतलब है ना उसका. इंटरस्टेट सेल. अगर आपको दिल्ली की दिल्ली में मिल रही है बस जाने के लिए, दैट इज इंट्रा स्टेट इन ए वे. क्लियर? सो इंटर स्टेट सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, इस पर वैट एप्लीकेबल नहीं होता. इस पर क्या एप्लीकेबल होता है? इस पर एप्लीकेबल होता है CST, फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स. इज इट ए सेंट्रल एक्ट? यस. इज इट एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया? यस. ठीक है. यानी जब आप माल दिल्ली से दिल्ली में बेच रहे हो तो लोकल सेल्स कहलाएगी, और जब दिल्ली से दूसरे शहर में बेच रहे हो जो दूसरे स्टेट में है तो वो क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट सेल. और इस पर कौन सा एक्ट लगेगा? CST एक्ट 1956. जब GST आएगा तो वैट भी खत्म, सर्विस टैक्स भी खत्म, CST भी खत्म, सब कुछ खत्म. बट जब आएगा तब आएगा, फिलहाल चल रहा है. जब इंट्रोड्यूस किया गया था ये कॉन्सेप्ट, तब उन्होंने बोला था CST को फेज आउट कर देंगे. अर्लियर द सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज 4%, इट वाज रिड्यूस्ड इन ए फेज्ड मैनर, नाउ इट इज 2% ओनली. बहुत लो है. CST इज लोकल रेट और 2% विच एवर इज लो. तो नॉर्मली इस पर 2% टैक्स लगता है. इट इज वेरी लो बट स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग. डेथ नहीं हुई इसके भीतर. तो इंटरस्टेट सेल पे कितना टैक्स लग रहा है? 2%. और तीसरा, सपोज यू आर सेलिंग द गुड्स टू लंडन, न्यूयॉर्क, सिडनी, देन दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट सेल्स. दीज आर जीरो रेटेड सेल्स. जीरो रेटेड मीन्स जिस पर 0% टैक्स है, इस पर कोई टैक्स नहीं. ठीक है. तो इसका मतलब डेस्टिनेशन पे डिपेंड करेगा
कि आपकी जो सेल है बेच आप यहीं से रहे हो, मैं दिल्ली से ही माल बेच रहा हूं, मेरा बायर कहां पर है उस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या होने वाला है। अगर बायर दिल्ली का है तो वैट लग रहा है, दूसरी स्टेट का है तो सीएसटी लग रहा है, और अगर दूसरी कंट्री में है तो लग ही नहीं रहा, फिर वो एक्सपोर्ट्स काउंटर लगे। मैं तो यहीं बैठा हूं सेम माल बेच रहा हूं, ये बात समझ में आती है पक्का? सपोज दिल्ली से माल बेचा रोहतक हरियाणा, कौन सा टैक्स लगेगा? सीएसटी लगेगा, इसमें सेंट्रल सेल टैक्स। कौन सी गवर्नमेंट लेगी? नहीं, अब ये मैंने समझाने के लिए किया। एक बात बताओ, जब लड़का लड़की की शादी होती है, होती है होते तो लड़का लड़का की भी है, लड़की लड़की की भी है, बट लेकिन चलो रूटीन की बात करें, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो रिश्तेदार कौन होता है? कौन से वाले? दोनों पापा मम्मी कहलाते हैं, है ना? तो पहले यही हो रहा था, जब सेल होती थी जब सीएसटी एक्ट नहीं बना था तब जब दो स्टेट्स में सेल हुआ करती थी तो बायर बोलता था मेरे यहां का बायर है, वो सेलर ये बोलते थे भाई मेरे यहां का सेलर है, मैं तो जरूर टैक्स लूंगा भाई, तुम्हारा पता नहीं, देखो तुमने जो लॉ बनाना है बना लो, मेरे यहां का तो सेलर है जी, वो कह माल नहीं आने दूंगा, फालतू की बातें करते हो, अंदर नहीं घुसने दूंगा टैक्स नहीं दोगे मेरे को तो। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल सेल्स एक्ट, ये जो सीएसटी एक्ट बना था, मैं उसके ओरिजिन पे भी जा रहा हूं, तब दोनों जगह पर टैक्स लगता था, नेक्सस थ्योरी बोलते थे इसको, नेक्सस तो है ना, एक का सेलर एक का बायर है तो आप कैसे डिनाई कर दोगे, वही मैंने कहा ना पापा तो दोनों ही है, कौन मना कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई देखो ये नहीं चलेगा, फिर एक लॉ पास कर दिया, किसने? सीएसटी एक्ट ने, कि जहां से माल चलेगा वो गवर्नमेंट लेगी, एक्ट सेंट्रल है लेकिन पैसा स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, ये तय हुआ। सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन इट इज एप्लीकेबल टू सीएसटी, बट द टैक्स विल बी कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जब माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वो गवर्नमेंट टैक्स रख लेती है जहां से वो सेल ओरिजिन होती है, कहने का मतलब है बायर कहीं का भी हो सेलर के बेसिस पर टैक्स लगता है, लगेगा इस पर सेंट्रल टैक्स लेकिन लेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक हो गई बात? अभी इसको वैट से कनेक्ट करना है मुझे अच्छी तरह से, ये अच्छे से समझ में आ गई है ना बात? पक्का? अब ये जो दो एग्जांपल्स मैं आपको करूंगा ये आपने नोट डाउन करने, लेकिन पहले समझने, आई विल गिव यू वन मिनट टाइम तब आप आराम से नोट कर लेना। एग्जांपल नंबर वन, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली इज सेलिंग गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ दिल्ली एंड देन मिस्टर बी ऑफ दिल्ली इज सेलिंग गुड्स टू मिस्टर सी ऑफ रोहतक हरियाणा। ठीक, इजी है मेरा एग्जाम्पल, कोई मुश्किल तो नहीं समझने में? इस पर क्या लगेगा? डी वैट, दिल्ली वैट, और इस पर क्या लगेगा? इजी, सी ऑफ रोहतक इज सेलिंग गुड्स टू से डी ऑफ हिसार, दिस इज आल्सो हरियाणा। अब इस पे क्या लगेगा? ये किस किस की समझ में नहीं आया, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ गया तब भी। ए और बी दिल्ली की दिल्ली में थे, दिल्ली वैट लग गया, यहां से माल दूसरी स्टेट में बिक गया, उस पर सीएसटी लग गया, फिर लोकल सेल हो गई। ये लोकल सेल कहलाएगी, सिटी डिफरेंट है लेकिन दोनों
सिटीज एक ही स्टेट में है तो ये लोकल सेल कहलाएगी, करेक्ट। बी को आईटीसी मिलेगा, हाँ या ना? हाँ, मिलेगा। नाउ जब सी की बात आएगी तब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि ये वाला आईटीसी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसके दो लॉजिक हैं। पहला लॉजिक है बदमाशी है, नहीं देते भाई, लॉ है, बनाने वालों ने मना कर दिया तो बस हो गई, ये तो चलो खत्म हो गई बात। पहला रीजन तो यही है कि बदमाशी है जी। दूसरा जो इन्होंने लॉजिक दिया हुआ किताबों में वो पढ़ा देता हूं, वो ये बोलते हैं जो मैंने भी पिछले आपको समझाया था कि भाई सी, जब सी ने माल बेचा तो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, वो बोलते हैं जी जो टैक्स था वो तो आप दिल्ली में जमा कराए, हमें कहां मिला? इंडियन नियम है, मैं हरियाणा हूं, आई एम नॉट जोकिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हरियाणा गवर्नमेंट इज थिंकिंग एंड सेइंग कि भाई मैं इंडिया नहीं हूं, यू हैव पेड द टैक्स टू विच गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट ना, एंड यू आर लुकिंग क्रेडिट फ्रॉम मी, वाई शुड आई? मैं नहीं देता। सो दिस इज द लॉजिक कि इंटरस्टेट सेल जब होती है तो जो सीएसटी पे करते हैं वो जेब से ही जाता है, वो इसका क्रेडिट नहीं मिलता। बात आ रही समझ में? इस सिचुएशन में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? सी को नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। जब डी बेच रहा है फिर तो उसके ऊपर हरियाणा का वैट आ गया, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मच इज। हाँ, डी को तो सी वाला मिल जाएगा ना, वो तो हरियाणा के रहना है, पर ये वाली जो ट्रांजैक्शन है बीच की उड़ गई, इस पर क्रेडिट नहीं मिलता। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट तो हमने मेरे ख्याल से काफी पढ़ी लिए हैं। अब कोई डाउट है तो मैं रिपीट करता हूं, नहीं तो फिर अब एक टॉपिक को हम सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? जो अभी तक कराया, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ हाँ, ये एग्जांपल प्लीज नोट करो, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये बी भी इंटरस्टेट सेलर है, अगर ये इंटरस्टेट परचेजर है तो ये इंटरस्टेट सेलर है, इसको तो क्रेडिट मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा। तो एक एग्जाम में लिखने वाली चीज नहीं है, ये भी लिख लेना, इंटरस्टेट सेलर इज हैप्पी एंड इंटरस्टेट परचेजर इज सैड। याद रखने के लिए, दोनों ट्रांजेक्शन है इंटरस्टेट सी, जो सेलर है वो तो खुश है, क्यों? क्योंकि सेलर को तो क्रेडिट मिल रहा है उसी गेम में, उसी चेन में, परचेजर को नहीं दे रहे। तो इन ए वे आप इंटरस्टेट, लाइक दिस इन माय एग्जांपल, बी इज इंटरस्टेट सेलर, इसको तो क्रेडिट मिल रहा है बट सी को नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान रखने वाला है, इसको भूलने का नहीं है कि इंटरस्टेट जो परचेजर है उसको क्रेडिट मिल रहा है। CST,
मान लेते हैं कि यहां से रोहतक बेचा, रोहतक से और आगे चला गया, तो जब उसको क्रेडिट मिलना ही नहीं तो फिर कैसे होगा? एक सेकंड, एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं फिर आपका। मेरे एग्जांपल को ही, आपके एग्जांपल को मैं इसको चेंज कर देता हूं, जस्ट चाहे आप नोट करें या ना करें। सपोज सी ने डी ऑफ हिसार को बेचने के बजाय मान लेते हैं अंबाला भी हरियाणा में है, लुधियाना बेच दिया पंजाब, सपोज लुधियाना सेल की, तो उसको क्रेडिट तो मिलना ही नहीं ना, तो दैट वे गया। अब आप पूछो, यही था ना? इज इट फाइन? चलिए, ये जो मैंने ब्रीफ में दिया है शुरू में, ये आपको ये बताने के लिए कि चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये बाद में रिवीजन के काम आएंगे। जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब इन पॉइंट्स के थ्रू हम रिवाइज करेंगे, हमें ध्यान आएगा कि हमने ये पढ़ा, व्हाट इज टैक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हाउ वैट ऑपरेट्स, ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे, उस वक्त ये काम आएगा आपको। अभी फिलहाल हम पेज नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टैक्स एंड टू टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ विल स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वैट। तो मैं इसको लाइन को पढ़ रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वैट इज ए ब्रॉड बेस टैक्स। व्हाट इज दिस ब्रॉड बेस, क्या मतलब है इस टर्म का, कुछ इमेजिन कर सकते हो? ब्रॉड बेस टैक्स का क्या मतलब हो गया? बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा एलिब्रेट करो, किस सेंस में ब्रॉडर है? ये दोनों चीजें जोड़ दो तो आंसर पूरा होता है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एंड इट इज कवरिंग ऑल द डीलर्स। एक्चुअली अर्लियर जो ओल्ड लॉ था उसमें क्या था, मैंने आपको पहले बोला ना, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन था, आइदर एट द फर्स्ट पॉइंट और एट द लास्ट पॉइंट। तो सेल्स टैक्स वाले जो पकड़ सकते थे किसी को, वो सिर्फ एक ही पॉइंट में पकड़ सकते थे, या तो फर्स्ट पे या लास्ट पे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम, आज ही हम पढ़ेंगे। तो उसमें यही था, जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो अगर आपने फर्स्ट पॉइंट पे हेराफेरी कर ली तो बच गया, और ऐसे लास्ट पॉइंट वाला है, अगर लास्ट पॉइंट पे आपने सिर्फ सेल पे लगना माना कस्टमर को, उससे पहले कोई टैक्स नहीं लगना, तो घूमता रहेगा, तो पहले पता नहीं चलेगा कौन कहां क्या कर रहा है। और लास्ट पॉइंट पे आपको पता ही है वैसे भी कि कस्टमर ज्यादातर कैश में इंटरेस्टेड रहता है, वो तो कहता है भाई पैसे ले ले, मेरे को नहीं पता, माल दे दे, तू बिल दे मत दे, जो मर्जी कर। कितनी बार ऐसा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में तो टैक्स की चोरी करने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी। आ रही बात समझ में? आपको सर ये तो अभी भी है, अभी इसलिए नहीं है कि सपोज अगर मैं रिटेलर हूं और मैंने टैक्स देके माल खरीदा है तो वो टैक्स तो मैंने देके खरीदा ही है ना, अब मैं अगर कस्टमर से आगे रिकवर नहीं करूंगा तो मेरा लॉस है। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट सेकंड लास्ट स्टेज तक तो टैक्स लेके बैठी हुई है ना ऑलरेडी आपसे, क्या कर लोगे आप? तो अब जो वैट का कॉन्सेप्ट है, इसमें टैक्स की चोरी कैसे हो सकती है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक सारे बेईमानों, या मतलब सारे के सारे बिल्कुल इस चीज में कन्विंस्ड हो कि भी हमने कैश में ही डीलिंग करनी है, बिल्कुल रसीद काटनी ही नहीं है, तब हो सकता है, नहीं तो वैट में टैक्स की चोरी हो ही नहीं सकती। पावरफुल सिस्टम बनाया उन्होंने। तो ब्रॉड बेस का मतलब ये है कि इन्होंने सबको ही कवर कर लिया उठा के वैट में, जितने भी चेन में लोग हैं सबको, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल सप्लायर है, इवन कई लोग तो सिर्फ पैकिंग करते हैं बीच में, आपका काम सिर्फ पैकिंग का मान लेते हैं, ये भी होता है, माल आएगा आप पैक करके उसको आगे सेल कर दो, तब भी एवरीवन इज कवर्ड, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है, सबको टैक्स इनवॉइस बनाना है, सबको ऑडिट कराना है, सबको सब कुछ करना है, बात ही खत्म है। सो वैट इज ए ब्रॉड बेस्ड टैक्स लेविड एट मल्टीपल स्टेज विद टैक्स ऑन आउटपुट्स रिड्यूस्ड बाय द टैक्स ऑन इनपुट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इट इज कलेक्टेड ऑन वैल्यू एडिशन ओनली एट ईच स्टेज। तो किस पे कलेक्ट किया जाता है? जो वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1954। अगर देखा जाए तो सबसे पहली कंट्री जो वैट को इंट्रोड्यूस किया वो कौन सी है? फ्रांस, 1954, बहुत पुरानी बात है, तभी इन्होंने कर लिया था। इंडिया में जाग आई 2005 में, 50 साल लग गए इनको समझने में, चलो खैर कोई बात नहीं, आई तो। ब्राजील एंड डेनमार्क में आ गया था 67 में, यूरोपियन कंट्रीज में 70s में, और उसके बाद 130 कंट्रीज में वैट एप्लीकेबल है। इन इंडिया वैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, दो द कॉन्सेप्ट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एक्साइज इन 1986 एंड सर्विस टैक्स इन 2002। एक्साइज में जो आया था, ये नाम आया था पहले मॉड वैट, ठीक है, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल्स वगैरह पे कुछ इनपुट्स पे अलाउड किया था इन्होंने, फिर बाद में इन्होंने इसको बना दिया सैन वैट। सैन वैट में तो अभी पूरा ही अलाउ करते हैं, पूरी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जितना भी है वो सब एडजस्टमेंट अलाउ कर देते हैं, जितना इनपुट पे लगा
उस सारा का सारा माइनस कर देते हैं आउटपुट में से, तो वो सैंड वैट है। हाँ, सैंड वैट सेंट्रल वैट है और वैट स्टेट वैट है। गुड क्वेश्चन, एंड बिल्कुल ध्यान से सुनने और समझने वाला है। वैट वो भी है, वैट ये भी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं तब से बोल रहा हूं आपको कि वैट इज ए सेल्स टैक्स। ये तो मैं सिर्फ कॉमन मीनिंग के हिसाब से बोल रहा हूं, अदरवाइज वैट का सेल्स टैक्स से क्या लेना है। वैट तो सिर्फ कह रहा है वैल्यू एडिशन टैक्स। इट कैन बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी ऑन सर्विसेज, इट कैन बी ऑन सेल्स, इट कैन बी ऑन एनीथिंग। बट अभी मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं वैट सेल्स टैक्स है, क्योंकि वैट इज बींग यूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर सेल्स टैक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वैट इज ए सेल्स टैक्स। और सैंड वैट इज बेसिकली फॉर एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस चल रहे हैं उनमें जो वैल्यू एडिशन टैक्स लग रहा है तो उनको बोल देते हैं सैंड वैट, और जो स्टेट लेवल पे चल रहे हैं उनको बोल देते हैं स्टेट। जैसे एक्चुअली वैट कुछ नहीं होता, वैट क्या है ना, एक चीज ऐड होती है। जैसे दिल्ली का वैट होगा तो वो बनेगा दिल्ली वैट, हरियाणा वैट, राजस्थान वैट। ये चीज मैंने आपको शुरू में ही बताई कि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट है। जैसे आपने शायद आप ही ने पूछा था, तो वो मैंने बताया था कि उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ठीक है, तो अगर कहीं आया हो रेफरेंस तो हमेशा तीन तरह के जो लॉ क्रिएटिंग प्रोसेस है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, सुना है ना पहले भी एक बार बताया मैंने, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जिनपे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, और कॉन्करेंट वो सब्जेक्ट्स हैं जिनपे दोनों बना सकते हैं, और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, तो अभी भी जो मैंने आपको समझाया एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट यानी सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस पर, जो स्मॉलर टैक्सेस हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हर स्टेट के हिसाब से टैक्स बनाती है। ठीक है, तो सैंड वैट क्लियर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस इन सैंड वैट एंड वैट। नाउ इन इंडिया इट इज स्टिल नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द स्टेट्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ वैट, दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां 4% है तो सब जगह 4 ही होगा, कोई 5 भी रख सकता है, क्योंकि क्यों, इसका लॉजिक क्या है, नहीं नहीं, एक तो हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है और दूसरा उनको एम्पावर भी किया है। मैंने आपको क्या बताया था, जो वैट रेट दिए गए हैं वो क्या है, फ्लोर रेट्स है, जितना ज्यादा टेक्निकल टर्म बोलेंगे उतना इजी वाले, द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द मॉडल वैट एक्ट 4% एंड 12.5%, जो दो रेट्स दिए गए हैं, दीज आर द फ्लोर रेट्स। फ्लोर रेट्स आर नॉट बाउंड, दीज आर द मिनिमम। आप इसके ऊपर भी रख सकते हो तो ऊपर भी जाएगा, कितना भी ऊपर जा सकता है। आपको एक चीज दिखा के लाऊं घुमा के, लास्ट पेज देखो 56। पेट्रोल नहीं, दारू 90। फ्लोर रेट से ऊपर जाने में जब फ्रीडम है तो कितना कितना हाई टैक्स लगाया हुआ है, 90% पेट्रोल पे भी 32.55। ये सारे एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश के दिए हुए, कितना हाई है। तो वो फ्रीडम छोड़ दिए उन्होंने। आपने ये तो सुना ही होगा ना, पेट्रोल के रेट अलग अलग होते हैं, दिल्ली में जाओ हरियाणा में जाओ, क्यों होते हैं, वो वैट की वजह से डिफरेंस आता है। तभी कई लोग नहीं करते, बॉर्डर पार करने से पहले भरते हैं, कोई बॉर्डर पार करने के बाद भरते हैं, ये क्यों होता है, पेट्रोल तो पेट्रोल है बट उसमें जो रेट का डिफरेंस आता है वो वैट की वजह से आता है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से वैट लगाया हुआ है तो उसकी वजह से रेट 1-2 रुपए लीटर फर्क कर जाता है, वो यही चक्कर है। एनीवे, इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द स्टेट्स, इसको अंडरलाइन कर लेना जो स्टूडेंट्स थोड़ा हाईलाइट करके चलते हैं असाइनमेंट को। इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द स्टेट्स, ये याद रखने वाली बात है कि जो वैट है वो हर स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है। इवन ये चीजें भी डिफरेंट है, जैसे मैं कहूंगा ना रजिस्ट्रेशन 10 लाख पे चाहिए, जरूर नहीं हर जगह 10 लाख हो, कहीं 5 लाख भी है। ऐसे कंपोजिशन स्कीम 50 लाख पे है, कहीं 25 लाख पे भी है, अलग अलग है, सब अलग अलग है। दो द कॉन्सेप्ट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, इवन एज ऑन डेट इट इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट सर्विस टैक्स, ये तो मैंने आपको बताई दिया, सो इट इज नॉट रिप्लेसिंग द अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द अर्लियर सेल्स टैक्स सिस्टम। इज इट क्लियर प्लीज। नेक्स्ट, हाउ वैट ऑपरेट्स, मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाया था, अभी एक थोड़ा डिटेल्ड एग्जाम्पल इसी चीज का दिया गया है। इस एग्जाम्पल में यह अज्यूम किया गया कि 12.5% वैट है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को क्या करूं, मैं तेजी से पढ़ देता हूं, समझ में तो आपके आ ही जाएगा।
तो इसमें एक बंदे ने 10,000 का माल खरीदा 1,250 रुपए वैट देके, फिर उसने 20,000 और खरीदा, इस पर भी उसने 12.5% वैट दिया 2,500 रुपए, टोटल और खर्चा किया 8,750, तो टोटल बन गया 40,000, इस पर फिर वैट लगा 5,000 और इसने ये माल बेच दिया 45,000। इजी है बात समझना, बिना पेज पलटे। अब आप ये देखिए कि सेल है 40,000 की, एग्री करते हो? वैट लग गया 5,000, ये भी एग्री करते हो? तो हाउ मच इज द आउटपुट टैक्स? 5,000। एंड हाउ मच इज द इनपुट? यस, 1,250 एंड 2,500। ठीक है, अब बिना पेज पलटे ध्यान से देखो, तो इसने जो लिखा है ये 1,250, दिस इज द एज कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स फ्रॉम अदर स्टेट, इसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैंने आपको बोला था ना, जब दूसरी स्टेट से माल आता है टैक्स लग के, तो उस पर नहीं लगेगा। बात आ रही सुन में? अब आप पेज पलटो, तो आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 5,000 लेस सेट ऑफ अ वैट पेड ऑन परचेजेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये ना इंपोर्टेड, एक्चुअली वही वाली बात है ना कि भाई मैं इंडियन नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं हरियाणा हूं। तो ये सेल्स टैक्स के ना चैप्टर्स में ये कई बार कंफ्यूजन होती है दिमाग में, है माल तो हरियाणा से खरीदा है, इंपोर्टेड क्यों लिखा है इसने? वो दिल्ली वाले हरियाणा को बाहर ही मानते हैं, भाई हमारे देश से बाहर है तू, बात खत्म, इसलिए उसको इंपोर्टेड भी बोल देते हैं। जो रियल सेंस में इंपोर्टेड होता है उसके लिए हाई सीज प्रोडक्ट बोलते हैं, सी सागर वाला जो है, हाई सीज प्रोडक्ट्स उनके लिए, जो सही मायने में बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं। टर्मिनोलॉजी होती है हर एक अपनी एक्ट की, चल रहा है आपको पता है, ये सारे अंग्रेजों ने बनाए थे एक्ट, कई यूं के यूं ही चल रहे हैं, तो अभी तक वही लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, इसका डिडक्शन नहीं मिला और लोकल गुड्स पे आ गया 2,500, ये जुड़ के टोटल हो गया 2,500 पे पेबल। इज इट क्लियर प्लीज? पक्का? आगे चलेंगे। अब बी ने जो माल खरीदा था कितने का? 40,000 का, भूलना मत, इस पर 5,000 रुपए टैक्स दिया हुआ इसने। ठीक है, अब इसने ना और लोकल परचेजेस की 20,000 की, उस पर 2,500 रुपए दे दिए, फिर और 10,000 की चीजें खरीदी, उस पर सीएसटी लगा 400, तो 10,400 हो गया, तो टोटल हो गया, और इसके अलावा और इसने खर्चा किया 29,600, टोटल इसने पहुंचा दिया 1,00,000 रुपए पे। अब 1,00,000 रुपए पे फिर से 12.5% टैक्स लग गया, तो हाउ मच इज माई आउटपुट टैक्स? 12,500। अब इसमें जो इसने टैक्सेस दिए, सीएसटी का तो माइनस होता नहीं जो इस इंटरेस्ट रेट पे लगा, बाकी के जो दोनों 5,000 पहले लगे थे और 2,500 बाद में लगे, वो दोनों आप देखेंगे नीचे माइनस करके 5,000 रुपए इसने और पे कर दिए। ये एग्जांपल मैंने फिगर समेत एज इट इज आपके स्टडी मॉड्यूल से लिया है, उन्होंने समझाया है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अपना एग्जांपल तो मैं क्रिएट करके आपको पहले ही समझा चुका हूं, एज इट इज दे दिया स्टडी मॉड्यूल से हाउ वैट ऑपरेट्स। वो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी रिकवरी नहीं हो रही, वैसे ऐसा कोई लॉ नहीं है, मैं चाहूं करूं मैं चाहे ना करूं, भाई अल्टीमेटली माल मैंने खरीदा, उसके बाद बेचने में तो मेरी फ्रीडम है, लेकिन इससे क्या होता है, एक टर्म अभी आएगी कैस्केडिंग इफेक्ट, एक टर्मिनोलॉजी भी और आपको पढ़ाने वाला हूं, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। अगर देखा जाए तो ये जो 12.5% लग रहा है, आपने जैसे कहा वो 400 रुपए पे भी लग रहा है ना, तो ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है। समझाओ इसको कैस्केडिंग इफेक्ट को, एक एग्जांपल से समझाता हूं, अगर वैट ना होता या जब वैट नहीं था तो क्या होता है। सपोज एक चीज 10,000 की है और उस पर 4% टैक्स लग गया, तो कितनी की हो गई? ठीक है, अब मान लेते हैं वो आइटम जिसने 10,400 की ली, अगर वैट ना हो और वो इसको 15,000 की बेचे, तो कितना टैक्स लगेगा? 600 रुपए। बात समझ में आ रही है? इजी टू अंडरस्टैंड है। 10,000 पे 4% लगा, अब इसने 15,000 में वो चीज बेच दी, 4% टैक्स लगा के 15,600। अब एग्जैक्टली अगर मान लेते हैं कि इसको 5,000 का प्रॉफिट चाहिए था, तो अभी तो इसको 4,600 का मिला, अगर इसको 4,600 का ही लेना था और ये 400 रुपए अगर इसमें से माइनस हो सकते होते, तो ये बजाय 15,000 के 14,600 में माल को बेचता। एक तो ये समझ लो, दूसरी बात ये कि अब मैंने 15,000 में पूरा टैक्स निकाला और 600 रुपए फिर से दिए हैं, ये बात समझ में आती है? अगर वैट नहीं होगा तो क्या होगा, ये 400 रुपए भी जाएगा सरकार पे और ये 600 भी जाएगा। ये 15,000 में तीन चीजें हैं, 10,000, 400 एंड 4,600, सारे समझ रहे हो? वैल्यू एडिशन तो 4,600 है,
तो जो टैक्स मैं 600 रुपए दे रहा हूं वो इस 10,000 पे भी लग रहा है, 400 पे भी लग रहा है और 4600 पे भी लग रहा है। एग्रीड, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, मान लेते हैं यार, एक तो अज्यूम्ड रेट ले रहा हूं, ऐसा कुछ थोड़ी, पहले भी रेट तो जुड़ थोड़ी कि पहले रेट 1000% थे, पुराने सेल्स टैक्स लॉ में भी रेट तो कम होते थे। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने फिगर ले, 4% है या कोई भी फिगर ले लो, 10% ले लो, ठीक है। तो जो मेन बात मैंने जो अभी समझाने के लिए की वो ये कि इस 400 रुपए पर भी टैक्स लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। हाँ, ये पुराने में था, तो प्लीज नोट कर लेना, चाहे सिर्फ इतना ही नोट कर लेना, टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। अब वो ये ना, ये टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हो जाओ सर, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ये हाथ से कहीं लिख लेना, टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े प्लीज। नेक्स्ट देखिएगा, अब सी ने क्या किया, वो जो 1,00,000 रुपए का माल लिया था उस पर और 2,000 रुपए खर्चे, 2,000 रुपए फिर उसने 250 रुपए वैट देके कुछ लिया, कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ जाड़ के 1,20 में माल बेचा। जब इसने 1,20 में बेचा तो 15,000 रुपए इस पर टैक्स आ गया। तो 15,000 में से आपको ध्यान होगा तो 12,500 उसने एक पहले लिया था और 250 रुपए एक दिया उसने, जो भी दिया था, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 15 में से 12,500 और 250 भी माइनस हो गए, डिफरेंस उसने पे कर दिया। फिर लास्ट में जो रिटेलर था उसने भी 1,20 में 20 और जोड़ के 1,40 में माल बेच दिया, 17,500 टैक्स आ गया, उसमें से जो उसने ऑलरेडी पे किया हुआ था वो उसने माइनस कर दिया। इजी है, टोटल रिकवरी आप देख सकते हैं जिस जिसने कितने कितने दिए। अब कहां, पुराने सिस्टम में चलें, सपोज अगर पुराने सिस्टम में सिंगल पॉइंट लास्ट पॉइंट टैक्सेशन होता तो सिर्फ एक ही बंदे से 17,500 मिलने थे। अभी उसमें क्या इतने सारे लोगों से मिलकर 17,500 रुपए आया, उतना ही टैक्स है ना। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, इतने सारे लोग ना अब उसमें हो गए, वही ब्रॉड बेस वाली बात, इतने सारे लोग कवर हो गए इसमें, सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सब टैक्स पे करेंगे, तो उससे क्या हुआ कि जो मेन इसका फर्क, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे बढ़ा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली स्कीम में तो टैक्स आएगा 1,000 और वैट वाली स्कीम में 600, क्योंकि 400 तो माइनस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को लॉस है, नहीं लगता देखने में। फिर गवर्नमेंट वैट क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहती है? ओ यार, गवर्नमेंट को थोड़ी मतलब है प्राइस कम होने का, मरो तुम बेशक, 100 रुपए का दूध पियो जाए, फिर गवर्नमेंट को क्या फायदा अगर सपोज सोचा जाए तो। क्रॉस वेरीफाई, एक सेकंड इनकी बात सुन लो, फिर आप सबको बताऊं क्या कह रहे हो आप। ये आगे जाके आएगा, इन्होंने अच्छा सोचा ये पॉइंट, आगे जाके ये असाइनमेंट के अंदर है, क्रॉस चेकिंग। अब जो है कंप्यूटराइज सिस्टम ला रहे हैं जिससे ना वैट वालों को ये लोग एक्साइज और इनकम टैक्स से भी कनेक्ट करके देखेंगे कि जो माल बिक रहा हो कहीं तो बना होगा, कहीं वहां से तो ब्लैक में नहीं बिक गया, या जो माल बिका उस पर इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिखा, तो ये क्रॉस चेकिंग शुरू करें। अब बोलो स्वामी जी, अगर वैट नहीं था तो 400 रुपए भी लगता था, 600 रुपए भी लगता था, पहले 1,000 रुपए मिलते थे, मान लेते हैं अगर हर स्टेज पे टैक्स लग रहा हो या हर एक से लेना ही लेना है, मान लेते हैं। हाँ, सिंगल पॉइंट पे चले तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जैसे पहले मल्टीपल टैक्सेशन भी थे कई चीजों पे, तो उस सेंस में कह रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो बात बीच में कट गई कि भाई गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ फिर वैट इंट्रोड्यूस करके, गवर्नमेंट को फायदा कैसे है। गवर्नमेंट को फायदा ऐसे है कि गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया ना, अब इसके अंदर ब्लैक ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएंगी, कैश ट्रांजेक्शन। तो जब ज्यादा लोग टैक्स देंगे चाहे कम दें, 20 आदमी पूरा टैक्स दे रहे थे पहले, ठीक है, ज्यादा टैक्स, उसकी वजह 100 आदमी कम टैक्स दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ज्यादा आएगा उसमें, ये है फायदा गवर्नमेंट को। बाजारी सुन में, इन्होंने पकड़ ऐसे लिए ना, एक दूसरे को टैक्स इनवॉइस एक दूसरे को देगा, ए बी बी सी 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 डी, वो पूरी ऑडिट ट्रेल क्रिएट कर दी इन्होंने, और आप लोगों के लिए भी काम आएगा, आज नहीं तो कल, अभी तो इनडायरेक्टली आ रहा है, कल को आप लोगों के लिए कंपलसरी काम आएगा, इसके ऊपर भी टॉपिक पढ़ेंगे हम। एक्सटर्नल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, कुछ स्टेट्स ने तो कर दिया है, कुछ ने अभी तक नहीं किया है। तो फिर आने वाले समय में जो है
वैट का ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा कि भाई सीए से साइन करा के ही जो है रिटर्न फाइल होगी। तो सोचो कितने डीलर्स हैं, सबके पास, सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी क्या कंपलसरी नहीं है, तो वो किसी से भी करा लेते हैं समटाइम, जिसने कम पढ़ा हो, कोई बी कॉम हो जो सेल्स का काम कर रहा हो, अभी लोग किसी से भी काम करा लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा प्रोजेक्शन है, बुक्स में ही है वैट की, कि गवर्नमेंट कंपलसरी कर देगी कि वैट है तो वैट का ऑडिट कराओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सो दैट वे लॉट ऑफ प्रोफेशनल वर्क विल कम इन द वे ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट आप समझ गए हो, छोड़ दें इसको, आगे बढ़ें। स्टेजेस ऑफ वैट, तो दो पॉइंट पढ़ेंगे फिर एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। पेज नंबर 8, स्टेजेस ऑफ वैट। तो स्टेजेस ऑफ वैट अगर देखा जाए तो यही है, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। इसमें कुछ नहीं है मेरे समझाने का, मैंने पढ़ा दिया आपको। नाउ एक क्वेश्चन है, कैन इट बी सेड दैट द होल बर्डन ऑफ वैट इज ऑन द कंज्यूमर? द आंसर इज इन ए वे यस, बिकॉज उस बेचारे को तो कहीं क्रेडिट नहीं मिल रहा है ना, या तो उसको एटलीस्ट इनकम टैक्स में ही दे दें, भाई साल भर में जितना वैट दिया है खर्चा तो है बेचारे ने, टैक्स तो दिया ही है, चलो इनकम टैक्स में से माइनस कर दो, वैट के बिल लिया भाई, साल में जितना टीवी खरीदा, गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, सब में जो जो टैक्स दे दिया माइनस, फिर तो मजा आए। हाँ टैक्स तो उसमें भी शो होगा, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, अगर मान लेते हैं सपोज, अच्छा उसमें भी नुकसान में नहीं जाएंगे ये? कम से कम वो दिखाएगा तो सही, मैंने इतनी परचेजिंग की है, तो फिर वो शॉपकीपर को देख सकते हैं, हाँ भाई तूने सेल पक्की दिखाई नहीं दिखाई, फिर लोग क्या होगा इसी बहाने उनको पता होगा भाई टैक्स तो इनकम टैक्स में से माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना भी पक्का बिल दे, फिर तो कोई नुकसान नहीं है ना, तो उससे क्या होगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फायदा तब भी होगा। अगर ये पूरा भी सारा कनेक्ट कर देना तो फिर क्या होगा, बिल्कुल अमेरिका स्टाइल से हो जाएगा, जैसे वहां पर मैंने सुना है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो है वो व्हाइट में होती है, वहां ऐसा नहीं होता, इंडिया स्टाइल से कैश दिया और चल भाई, माल मैंने लिया, पैसे तूने लिए, उसके बाद तू कौन मैं काम का, गफार मार्केट जिंदाबाद। और क्या, गफार मार्केट में जो टीवी मार्केट में 60,000 का मिलता है वहां 45,000 का मिल जाता है, हाँ इतना फर्क है, 15,000 रुपये का फर्क है, ऐसी है। एनीवे नेक्स्ट, ओल्ड सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम। तो सिंगल पॉइंट में क्या होता था, या तो फर्स्ट स्टेज पे होता था या लास्ट स्टेज पे। अब डीमेरिट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड डीमेरिट्स ऑफ द लास्ट स्टेज, दोनों की बुराइयां की हैं। पहला, सिंस सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेज द रेट हैज टू बी हायर। कैसे, सोचो जब माल अगर मैन्युफैक्चरर के लेवल से निकला है या माल दूसरे स्टेट के था, आपने यहां मंगवाया और अब आपने चेन स्टार्ट किया दिल्ली में, होलसेलर के लेवल पे निकला तो रेट तो कम ही होगा, होलसेलर पे कोई भी चीज 100 रुपए की होगी और मार्केट में जाके बिक्री होगी 300 में 400 में, ऐसा ही होता है। तो अगर 100 रुपए पे टैक्स निकाला जाए बजाय 400 रुपए के निकालने के, तो ऑब्वियसली फिर टैक्स तो कम ही होगा ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर उसको कवर अप करने के लिए रेट ज्यादा लगाएगी, और जब ज्यादा रेट आएगा तो फिर टेम्पटेशन होगी किसकी, टैक्स की चोरी करने की। एक दो, एक बार जब माल बिक गया वहां पर आपने टैक्स ले लिया, उसके बाद वो कहां गया इधर उधर आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आपका कंसर्न सिर्फ फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट के बाद माल बिक गया बात खत्म। तीसरा, हेरा फेरी करने कितनी पॉसिबल है, सपोज मैंने माल बेचना है, मैं क्या करता हूं आपको क्रिएट कर लेता हूं बीच में, 100 रुपए की चीज आपको 101 रुपए में बेच दूंगा हर बार, फिर आप बेचो जिसको बेचना है, अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली इसी काम के लिए, सारा माल आप ही को बेचता हूं मैं, वो 1 रुपए पे टैक्स देके मैं तो फ्री हो गया, फर्स्ट पॉइंट पे लगना था लग गया, अब मौज करो, उसके बाद आप बेचो आराम से टैक्स फ्री, फर्स्ट सेल हो गई सर, मैं तो इतने में ही बेचता हूं जी, आप समझ रहे। तो इस वाले सिस्टम में इस तरह से बड़े लूप होल्स थे, अब तो क्या होगा बेच लो आप 101 में, क्या जी 100 रुपए 10 पैसे में बेचो, आगे तो बेचेगा ना, हर स्टेप पे पकड़ना है तो फिर आप बच ही नहीं सकते, कब तक बचोगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया, सिंस सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड एट द फर्स्ट स्टेज द रेट हैज टू बी हायर। सेकंड पॉइंट, इफ सम हाउ गुड्स एस्केप टैक्सेशन एट फर्स्ट स्टेज देन दे शैल नॉट बी टैक्स्ड एट ऑल बिकॉज ऑल द सिस्टम्स शैल बी एट द फर्स्ट स्टेज ओनली। एंड थर्ड, हाई चांसेस ऑफ गुड्स बीइंग अंडरप्राइज टू अवॉइड टैक्सेशन बर्डन एट द फर्स्ट स्टेज। एक्चुअली वो तो फिर आप प्राइस कम शो करके एक ही बार अगर ड्रामा करना हो तो कर ही सकते हो, बार बार तो मुश्किल हो जाएगी सब लोगों को सेटिंग करना। ठीक है, अगर हम लास्ट स्टेज पे करते हैं तो क्या होगा, इसमें भी दिया गया है, व्हेन द टैक्स इज बीइंग चार्ज ऑन एमआरपी। अब हम उस पर चले जाते हैं कि लास्ट स्टेप पे लग रहा है सर, पहले कोई टैक्स नहीं लग रहा, जब एमआरपी पे लगेगा तो टैक्स हाई होगा, तब रेट हाई नहीं होगा लेकिन अमाउंट हाई होगा। अगर एमआरपी पे टैक्स लग रहा होगा, जैसे 100 रुपए की चीज चली बिक्री है 500 में, अगर 500 रुपए पे टैक्स निकाला जाए तो भी प्रॉब्लम है,
सारी की सारी सेल पे एक बार में अगर टैक्स लग रहा है तो लास्ट स्टेप पे फिर एकदम लगेगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स इज वेरी हाई, है ना। और फिर दूसरा इन्होंने कहा डिफिकल्ट टू ट्रैक माल कहां से चला कहां तक आया, सीधा रिटेलर के पास ही सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, बाकी कुछ है ही नहीं कहां से आया कहां नहीं आया। और तीसरा इट इज क्वाइट कॉमन टू परचेज गुड्स एट द लास्ट स्टेज बाय द कस्टमर्स इन कैश, तो टैक्स इवेजन इज वेरी इजी। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर है तो दिखा दो कैश सेल्स हो गई बात खत्म, दिखाओ ही मत, मतलब वो तो फिर एक सामान कैश में खरीदा हुआ है काफी सारा कैश सेल्स कर दो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इन दोनों ही सिस्टम्स में प्रॉब्लम थी। इसके अलावा बहुत सारे जो है अलग अलग नाम से टैक्स लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने, तो एक इन्होंने कमेटी बनाई थी केलकर कमेटी। तो केलकर कमेटी ने जब इस सिस्टम को स्टडी किया जो हमारा पुराना सिस्टम था, तो इन्होंने बताया कि ईच स्टेट लेविज मल्टीपल टैक्सेस ऑन द सेम आइटम इन डिफरेंट नेम्स और एट डिफरेंट स्टेजेस लाइक एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, टर्नओवर टैक्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, स्पेशल टैक्स, बहुत तरह के टैक्स पहले लगा करते थे, अब इन सबको खत्म करके एक ही टैक्स ले आए हैं स्टेट वैट। कुछ चीजों पे फर्स्ट स्टेज पे लगता था, कुछ पे लास्ट पे, लेकिन और दूसरे नामों से और बहुत तरह के टैक्स लगा करते थे, जैसे इसमें दिए हुए कोई टर्नओवर पे लग गया, कोई लग्जरी पे लग गया, कोई बीसी पे लग गया, कुछ मल्टीपल टैक्सेस थे, अब वो सब खत्म करके एक स्टेट वैट लाने की कोशिश की है। चलिए व्हाइट पेपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।